हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर। वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। और आज हम, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है यहाँ पे पीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने की, सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा थर्ड सेशन है। तो लेट्स सी अवर टूडेज सेशन। और आज हम देखते हैं जितने क्वेश्चन पहले हमारे हो चुके हैं उनको छोड़कर जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये पेपर है 2013 का स्टूडेंट, और अब तक आई थिंक सो हम 17 के अराउंड क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो लेट्स सी, दिस इज 14 नंबर क्वेश्चन, दिस इज एंड दिस। अच्छा, ये हमने कर ही चुके हैं पहले भी, दिस 17 एंड दिस इज 18 नंबर। लेट्स सी 18 नंबर। हाँ जी, तो क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे स्टूडेंट, क्वेश्चन रीड कीजिए, इंग्लिश वाली साइड रीड कीजिए, इधर वाली साइड उधर मत ध्यान देना, ठीक है? पढ़ भी सकते हो, अगर आपको पंजाबी लैंग्वेज में आप पेपर दे रहे हो तो कोई बात नहीं, आप पंजाबी वाला पढ़ लीजिए, ठीक है? है तो बाईलिंगुअल ही, तो आप दोनों ही समझ सकते हो यहाँ पे। ओके ओके, तो लेट्स सी। हाँ जी, क्वेश्चन रीड कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सेंसिस रिगार्डिंग सेंसिस 2011। सेंसिस की बात की है, यू नो दैट 2011 में हमारा लास्ट पॉपुलेशन सेंसिस हुआ था, और अभी 2021 में होना था बट अभी तक उसका डेटा आया नहीं है यहाँ पे हमारे सामने, ठीक है? तो क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है, द क्या बोल रहा है यहाँ पे, द मैस्कोट ऑफ सेंसिस 2011 वाज फीमेल एन्यूमरेटिव। सेकेंड है, बिहार इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया विद इन 1102 persons per square kilometer. थर्ड स्टेटमेंट है, 2001 से लेकर 2011 तक इज द फर्स्ट डिकेड विद एक्सेप्शन 1911 टू 1921 विच हैज एक्चुअली एडेड लेसर पॉपुलेशन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर डिकेड। फिर कह रहा है फोर्थ स्टेटमेंट, दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो। क्या कह रहा है, दादरा एंड नगर हवेली में सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिला हमें। द लोगो ऑफ द कास्ट सेंसिस 2011 फिगर्स ऑफ अडल्ट फीमेल फीमेल चाइल्ड अडल्ट मेल एंड मेल चाइल्ड। अब ऑप्शंस देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ऑप्शंस हैं, क्या बोल रहा है ऑप्शंस के अंदर, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट, 2 and 3, 4, 1, 3 and 5, 1, 2, 3 and 5, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि ऑल, ठीक है? तो स्टेटमेंट पे वापस आते हैं स्टूडेंट, हम स्टेटमेंट पे अगर हम वापस आए यहाँ पे तो आप देखो, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड, बिहार इज द मोस्ट पॉपुलेटेड, यू नो दैट कि यूपी बिहार इधर वाली साइड पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट दादरा एंड नगर हवेली, नहीं, ये वाला ऑप्शन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये वाली हमारी। क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट दादरा एंड नगर हवेली नहीं, दमन एंड दीव जो है उसके जो उसके अंदर 2011 के सेंसिस के हिसाब से सेक्स रेशियो सबसे कम था। कौन सा, दमन एंड दीव जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वहां पे हमें सबसे ज्यादा लोवेस्ट सेक्स रेशियो को देखने को मिला था। और अगर मैं स्टेट की बात करूं तो हरियाणा स्टेट जो है उसका सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो, ठीक है? हालांकि अभी फिगर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, ठीक है? अभी की बात नहीं कर रही, ये क्वेश्चन तब का है, ठीक है? प्लीज इसको आप माइंड में रखना। फिफ्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो क्या हमारा क्या बना भाई, करेक्ट ऑप्शन क्या बना हमारा, ऑब्वियसली फोर्थ रॉन्ग है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इट मीन्स 1, 2, 3 and 5। आप लेवल देख रहे हो, उस टाइम पे भी पेपर का एक अच्छा खासा लेवल था पीपीएस, राइट? लेवल है पेपर का, पीपीएससी का लेवल है स्टूडेंट। चल, सो लेट्स मूव फर्दर। ये अफ्रीका वाला, बोट्सवाना वाला, ये तो पहले का ही वो है। 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। कह रहा है रेलवे जोन है यहाँ पे, क्या रेलवे जोन दी हुई है और उसका हेडक्वार्टर बताया हुआ है, ठीक है? उसमें पूछ रहा है कि भाई करेक्ट कौन सा है, करेक्ट कौन सा है रेलवे जोन और उसके हेडक्वार्टर। हाँ जी,
बताइए करेक्ट कौन सा है यहाँ पे, हेडक्वार्टर इसका कौन सा करेक्ट है, आप इसको पढ़ो और फिर मुझे बताओ कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा। हाँ जी बताइए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट ए, करेक्ट ऑप्शन इसका ए। वाई कि देखिए जो साउथ सेंट्रल है वो है हमारा सिकंदराबाद के अंदर, बी का वन साउथ ईस्टर्न जो है वो है हमारा कोलकाता के अंदर, सी का हमारा फोर इट मीन साउथ वेस्टर्न जो है वो हमारा हुबली के अंदर है, और बचा साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन दैट इज इन बिलासपुर। ठीक है स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि रेलवे जोन कौन सा कहाँ पे लाई कर रहे हैं। अगर इसके बारे में आपको पता नहीं होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, तो दैट्स वाई आपको रेलवे जोन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है, कहता है गल्फ ऑफ बोथनिया इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ज्योग्राफी के मैप से क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो ज्योग्राफी का मैप आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ जी, कह रहा है गल्फ ऑफ बोथनिया इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। चार कंट्रीज दी हैं, फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन एंड इस्टोनिया, तो कहाँ पे है लेट्स सी। तो इसके लिए मैंने मैप ऐड किया यहाँ पे, गल्फ ऑफ बोथनिया यहाँ पे प्रेजेंट है, बाल्टिक सी के साथ लगता है ये, एक तरफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लगती हैं और दूसरी साइड हमारा फिनलैंड लगता है, एक तरफ हमारा स्वीडन है और दूसरी तरफ यहाँ पे फिनलैंड है, फिनलैंड पड़ता है एक तरफ और दूसरी तरफ स्वीडन पड़ता है, तो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फिनलैंड एंड स्वीडन। तो लेट्स मूव, यहाँ पे हम मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फिनलैंड और स्वीडन वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो कौन सा बनेगा हमारा, वन एंड थ्री, वन एंड थ्री ऑप्शन कहाँ पे, सी नंबर जो है वो हमारा करेक्ट है, वर्ल्ड मैप। तो इससे स्टूडेंट आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो रहा होगा कि वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड ज्योग्राफी, माउंटेन्स की रेंजेस, रिवर्स की रेंजेस, राइट, कौन कौन से माउंटेन्स कहाँ पे लाई करते हैं वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो फेमस माउंटेन्स है जैसे कि अटाकामा हो गया, गोबी डेजर्ट हो गया, राइट, यूराल माउंटेन्स हो गए, ठीक है, कालाहारी डेजर्ट जो हम पहले देख कर आए हैं, ये डेजर्ट हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया, इनके बारे में आपको पक्का पता होना चाहिए कि भाई इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, कैलिफोर्नियन डेजर्ट हो गया, इनकी लोकेशन कौन सी कंट्री में है, कौन सी कंट्री में ये लाई नहीं करते, कौन कौन सी में इनकी बाउंड्री है, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। और सी के बारे में तो डेफिनेटली आपको पता ही होना चाहिए, जितने भी हमारे सी हैं, चाहे आप फाइव मेजर सीज ले लो या फिर जितने भी फेमस हमारे जो माइनर सी हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपको पता होना चाहिए, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। और इंडिया में तो कोई दोराय है ही नहीं स्टूडेंट, इंडियन ज्योग्राफी तो आपको आनी चाहिए। तो इसके लिए आप दो बुक्स रेकमेंड कर सकती हूँ मैं आपको, स्पेशली एनसीईआरटीज, फर्स्ट वन इज प्लस वन की फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकेंड वन इज इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, दोनों ही एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस वन प्लस टू की एनसीईआरटीज ही पढ़नी होती है फॉर द ज्योग्राफी। और वर्ल्ड मैप पे आपका पूरा एकदम ऐसे ऑब्जर्वेशन कर करके, वर्ल्ड मैप देखो कैसे भी नहीं आता, अगर मैं आपसे कहूँ कि फलानी सीरीज देख लो या लेक्चर लगा लो, नहीं, इसे वर्ल्ड मैप नहीं आता, टीचर एक लिमिट तक ही करवा सकते हैं। वर्ल्ड मैप का सबसे अच्छा सोर्स होता है कि आप डेली बेसिस पे उसको थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, ठीक है, एक दिन में आप ऐसा बोलो कि मेरे को पूरा वर्ल्ड मैप याद हो जाएगा कौन सी कंट्री कहाँ पे है, तो आप यू आर रॉन्ग, राइट, देन आपको ज़रूरत है कि आप उसको डेली थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करो, ठीक है, एक एक करके, कभी अफ्रीका देख लिया, कभी अमेरिका देख लिया, कभी यूरोप देख लिया, उसके सी देख लिए, कभी इंडिया तो देखना ही देखना है ना, एशियन कंट्रीज देख ली, फिर धीरे 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 आपके माइंड के अंदर वो सेटल होना शुरू होता है, ठीक है, एकदम से हर चीज़ याद नहीं होती है, अगर ऐसा कोई है 30 मार्क हाँ तो कोई एक आधा तो जैसे हो, बाकी तो सब नॉर्मल ही है, ठीक है, बाकी सबकी मेमोरी वैसी ही है, ठीक है, उनकी मैं बात नहीं करूँगी यहाँ पे एक्सेप्शनल वालों की, ठीक है, सो ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट है, ठीक है, तो लेट्स मूव फर्दर, मूव करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज फॉट वॉर ओवर ए रीजन कॉल्ड ऑगेडन। ऑगेडन एक रीजन है स्टूडेंट जो बहुत ही ज्यादा किसी टाइम पे, उस टाइम पे न्यूज में था, क्या करंट अफेयर की न्यूज़ है, तो आप मुझे बताइए दो कौन सी कंट्रीज हैं। आई नो आपको ये न्यूज़ अब पुरानी हो गई है तो आपको कैसे ही पता होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट इथोपिया एंड सोमालिया।
इथोपिया और सोमालिया अगर आप वर्ल्ड मैप में देखो तो उनके बीच में एक रीजन लाई करता है, दिस इज द सोमालिया एंड दिस इज द इथोपिया। इस रीजन के ऊपर यहाँ पे लड़ाई हुई किसके बीच में, सोमालिया और इथोपिया के बीच में, इस रीजन को लेकर जिसको वो ओगेडन बोलते हैं। इसके ऊपर एक वॉर भी फॉइट हुई थी इथोपिया एंड सोमालिया के बीच में, ठीक है। तो लेट्स क्वेश्चन नंबर 22, प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अब ये क्वेश्चन फिर से कहाँ से आया भाई, ये क्वेश्चन फिर से स्टूडेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना। आपको लोकेशन पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप गए, राइट। तो यहाँ पे फिर से लोकेशन का क्वेश्चन है, प्लीज रीड कीजिए। वैली के बारे में पूछा और स्टेट के बारे में पूछा कि कौन सी वैली कौन से स्टेट में लाई करती। तो पहला कहता है जौहर वैली, दूसरा डुजकू वैली, तीसरा है हमारा नुब्रा वैली और चौथा हमारा पार्वती वैली। नुब्रा वैली देखो कितना ज्यादा न्यूज में रहा था किस टाइम पे, जब हमारा चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कहाँ पे, एक्साई चीन के अंदर, तब नुब्रा वैली बहुत ज्यादा न्यूज में। तो इससे हिंट तो आपको मिल ही गया होगा कि नुब्रा वैली जम्मू कश्मीर में लाई करती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन का करेक्ट होगा, थ्री होगा, ठीक है। अभी ये हो गया आपको, आप बाकी देखिए। जो हमारी डुजकू वैली है वो कहाँ पे लाई करती है, नागालैंड के अंदर लाई करती है। हाँ, लाई करती है नागालैंड के अंदर लाई करती है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ए का वन है। जोहर वैली जो है वो उत्तराखंड में लाई करती है और पार्वती वैली जो है वो हमारी लाई करती है हिमाचल प्रदेश के। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 1, 4, 3, 2। इट मीन्स सी का वन, मतलब कि जोहर वैली लाई करती है उत्तराखंड में, डुजकू वैली लाई करती है नागालैंड के अंदर, नुब्रा वैली लाई करती है जम्मू कश्मीर के अंदर और पार्वती वैली लाई करती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। यस और नो? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो वैलीज होती है इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है स्टूडेंट। ओके, लेट्स मूव फर्दर। 23 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? ऑन विच रिवर्स एंड बिटवीन विच टू प्लेसेस इज द नेशनल वाटर वे टू सिचुएटेड। अभी यहाँ पे नेशनल वाटर वे के बारे में क्वेश्चन, तो कितने हमारे नेशनल वाटर हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे, कि हमारे इंडिया के अंदर कितने नेशनल वाटरवे लाई करते हैं ये आप मुझे बताओगे। नेशनल वाटरवे वन जो है वो किसके ऊपर बना हुआ है, हमारी गंगा रिवर के ऊपर बना हुआ, और नेशनल वाटरवे वाटर हाईवे हमारा टू है, जो वाटरवे नंबर टू है वो हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन इज द ब्रह्मपुत्रा, सदिया एंड डुबरी को वो जोड़ता है। कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ब्रह्मपुत्रा सदिया एंड डुबरी। अगर नेशनल वाटर वे वन पूछा होता तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता हमारे पास, गंगा वाला, गंगा हल्दिया एंड अलाहाबाद वाला जो है वो नेशनल हाईवे नंबर वन है, नेशनल हाईवे नंबर वन है। 24 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट, तो यहाँ पे आप पढ़िए, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए क्या है। इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इसमें से इक्वेटर पास नहीं करता है। तो सी हियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन क्या है क्या है, कोलंबिया, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बोलाविया एंड अंगोला। इक्वेटर पास करता है स्टूडेंट्स हमारा, कोलंबिया से भी पास करता है, ब्राजील से भी पास करता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से भी पास करता है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से भी पास करता है। वो पास नहीं करता तो इन दो कंट्री में। यू शुड नो दैट कि हमारे अर्थ के ऊपर तीन मेन इमेजिनरी लाइन्स हैं। फर्स्ट वन इज द इक्वेटर जो हमारी जीरो डिग्री पे लाई करती है। सेकेंड वन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारी 23.5 पे लाई करती है। एंड लास्ट नीचे वाली है हमारी सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, जो भी 23.5 साउथ में लाई करती है। इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कौन सी कंट्री कहाँ पे लाई कर रही है, कौन सी कंट्री में से ये पास कर रही है और कौन सी में से नहीं पास कर रही।
जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास करती है, तो डू कमेंट स्टूडेंट कि वो इंडिया के कौन से स्टेट्स में से पास करती है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, ठीक है, तभी तो मज़ा आएगा ना PYQ डिस्कशन करने का। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होता है ना जब तक आप थोड़ी रिसर्च ना कर लो उस पर। तो यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन क्या होगा, 4 and 5 इज द करेक्ट ऑप्शन, 4 and 5 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर, क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस कीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे। हाँ जी, क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गुगामल नेशनल पार्क लोकेटेड। गुगामल नेशनल पार्क के बारे में पूछ रहा है वो कि वो कहाँ पे लोकेट करते हैं। तो कहाँ पे लोकेट करते हैं गूगल नेशनल पार्क, ये बिल्कुल फैक्ट है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ज्योग्राफी का फैक्ट है। तो पहला ऑप्शन बोलता है कर्नाटका 9, आंध्र प्रदेश 9, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है हमारे गुगामल नेशनल पार्क, ठीक है। तो महाराष्ट्र इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स, गुगामल नेशनल पार्क इज प्रेजेंट इन द महाराष्ट्र, ठीक है, डन है, ओके ओके। फर्दर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी द बायोलॉजिकल कैपेसिटी फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड व्हाट, इट कॉल्ड फर्टिलिटी, इट इज कॉल्ड फर्टिलिटी, ठीक है। बायोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलिटी, ठीक है, ओके। लेट्स मूव फर्दर, हाँ जी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स द एशियाटिक तुर्की फ्रॉम द यूरोपियन तुर्की, तुर्की के बारे में देखो, दिस इज द तुर्की, ये एक तुर्की का ये पार्ट है और ये है हमारा यूरोप, यहाँ पे लाई करता है हमारा यूरोप, अगर आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखो, इसके साथ एक और पार्ट लाई करता है और यहाँ से एक स्ट्रेट पास होती, ये दोनों ही तुर्की हैं स्टूडेंट, दोनों ही तुर्की के पार्ट हैं, एक को हम यहाँ इस वाले को इस्तानबुल कहते हैं और ये हमारा मेन तुर्की है, ये तुर्की का ही पार्ट है और इसके बीच में से एक यू नो स्ट्रेट पास होता है, दैट वी कॉल्ड बॉस्फोरस स्ट्रेट, दैट वी कॉल्ड बॉस्फोरस। तुर्की एक इकलौता कंट्री है स्टूडेंट जो एशिया को कनेक्ट करता है डायरेक्टली लैंड से, किसके साथ, यूरोप के साथ, ठीक है। तो इसको गेटवे ऑफ यूरोप भी बोला जाता है, ठीक है, तो ऐसा इसको यहाँ पे तुर्की का बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करता है किसको, सेपरेट करता है किसको, एशियाटिक तुर्की को फ्रॉम द यूरोपियन तुर्की, ठीक है, ओके ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हाँ जी, क्या बोल रहा है, द 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012, एक्ट 2012 हैज एडेड ए न्यू आर्टिकल, 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या बोल रहा है कि भाई 2012 में एक न्यू आर्टिकल इंसर्ट किया 371A इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट रिलेट्स क्रिएटिंग स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, क्या कह रहा है कि भाई इस रीजन के लिए ये स्पेशल हमने प्रोविजंस को ऐड किया है अंडर द आर्टिकल 371J, कब, 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद। तो क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट तेल, कौन सा है, कर्नाटका एंड हैदराबाद, कर्नाटका एंड हैदराबाद के अंडर एक स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, मतलब कि वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को स्पेशल प्रोविजंस देता है वहाँ के रीजन को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, अंडर 371J, कब दिया गया, 2012 के अंदर दिया गया, तभी ये उस टाइम पे क्वेश्चन पुट किया उसने। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए स्टूडेंट क्या है, हाँ जी, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ज्वाइंड द इंडियन यूनियन आफ्टर द कंडक्ट ऑफ स्पेशल ओपिनियन पोल इन 1975 के अंदर कौन से स्टेट ने इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया। तो हमारा लास्ट स्टेट जिसने इंडिया को ज्वाइन किया था 1975 में ज्वाइन किया था, दैट इज द सिक्किम, उससे पहले कौन से स्टेट ने किया था, गोवा 1961 के अंदर। तो गोवा के अंदर रेफरेंडम करवाया गया, ओपिनियन यू नो स्पेशल ओपिनियन पोल लिए गए, इसके अंदर सिक्किम को इंडिया के अंदर मर्ज कर लिया गया हमेशा हमेशा, ठीक है, पहले वहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम था,
ठीक है, बट लोगों के कहने पे यू नो जो लोग थे वो इंडिया के साथ रहना चाहते थे, ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या किया गया, रेफरेंडम करवा के मतलब पब्लिक ओपिनियन लिया गया, ठीक है, जिसके अंदर इंडिया जो लोग हैं वो वोट करके ये बताते हैं आपको कि भाई हमें किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, तो प्लीज़ रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली देन इट आंसर। पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, आप इस टाइम पे भी कर सकते हो अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखी है, ठीक है, सो प्लीज रीड कीजिए। क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैप्सिंग ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट। लैप्सिंग ऑफ बिल की बात कर, कि बिल कब लैप्स कर जाएगा, लैप्स मतलब कि बिल कब खत्म हो जाएगा। मान लो आप पार्लियामेंट में बिल लेकर आई, उसके बाद वो लैप्स करके, उसके पीछे रीजंस होते हैं स्टूडेंट्स उसको लैप्स करने के, ऐसे बिल लैप्स नहीं होते। तो देखिए, पहला है बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट लैप्सिस बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। प्रोरोगेशन का मतलब होता है स्टूडेंट एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द सेशन, यू नो दैट सेशन बैठता है हमारा, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन, है ना, बजट सेशन बैठते हैं हमारे, सेशन चलते हैं पार्लियामेंट के 365, जो हमारा पार्लियामेंट है वो क्या नहीं करता, चलता नहीं है ना, अलग टाइम टू टाइम वहाँ पे सेशंस होते। तो पहला करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, पहला जो हमारा ऑप्शन है वो रॉन्ग है। एंड ऑफ द सेशन होने से हमारा जो बिल पेंडिंग पड़ा होता है पार्लियामेंट के अंदर, अगर वो पास नहीं हुआ तो वो बिल लैप्स नहीं करता, ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर वो बिल वहाँ से उसको पास कर सकती है पार्लियामेंट, ठीक है, तो लैप्स तो नहीं करेगा, मतलब एंड नहीं होगा उसका। नेक्स्ट, ए बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा, लैप्सिस व्हेन लोकसभा डिसॉल्व। अगर मान लो लोकसभा का टाइम पीरियड पूरा हो जाए, मतलब मान लो 5 साल पूरा हो गया या उससे पहले ही लोकसभा डिसॉल्व होगी अगर गवर्नमेंट गिर जाती है तो, ठीक है, क्या उसके बाद राज्यसभा के अंदर बिल पड़ा है कोई, क्या अभी लोकसभा ने उसको पास नहीं किया, तो क्या वो लैप्स कर जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, नहीं, क्योंकि राज्यसभा जो है हमारी पार्लियामेंट की वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, राज्यसभा जो है वो वैसे ही बनी रहती है, डिसॉल्व जो है वो लोकसभा होती है, ठीक है, तो राज्यसभा यहाँ पे डिसॉल्व कभी नहीं होती, वो एक परमानेंट हाउस है, ठीक है, परमानेंट हाउस है वो, इसलिए वहाँ पे जो बिल पड़े होते हैं वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर कोई बिल है, ठीक है, वही डिसॉल्व होंगे, या बिल उसके अंदर पेंडिंग पड़ा है लोकसभा के अंदर तो वही डिसॉल्व होगा अगर हमारी लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है गवर्नमेंट के सेशन के बाद, गवर्नमेंट का 5 साल का टाइम पीरियड पूरा होने के बाद, या फिर बीच में ही कहीं पे गवर्नमेंट जो है वो अनस्टेबल हो जाती है, गवर्नमेंट गिर जाती है, तब उसके अंदर पड़े जो बिल हैं वो सारे के सारे लैप्स कर जाएंगे, कि न्यू गवर्नमेंट जब चुनकर आएगी तब फिर वो न्यू बिल लेकर आएगी, ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ वन एंड, ठीक है स्टूडेंट, ओके, ठीक। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सेशन खत्म करने से पहले यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, उसके बाद ही हम सेशन को ओवर करेंगे, लेट्स सी। तो देखिए, अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप अभीपीडिया पे जाइए, अभीपीडिया के जाने के बाद आप चूज एग्जाम कीजिए, अगर आपको कोई भी एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है, फॉर एग्जांपल आपको पीसीएस के लिए प्रिपेयर करना है तो आप पीसीएस पे क्लिक कीजिए, फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए और माइक्रोवर्स को ज्वाइन कीजिए। माइक्रोवर्स पे आने के बाद आप यहाँ पे ऑनलाइन सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एवरीडे साइंस करनी है आपको, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री करनी है, उसके लिए अगर आपको सारा चाहिए तो 1630 में आप पूरा कोर्स परचेज कर लीजिए बेसिक साइंस का फॉर द पीसीएस। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ, मान लो आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट रेडी नहीं है, मान लो आपको बायोलॉजी चाहिए, है ना, बायोलॉजी का करना है आपको सिर्फ तैयार, तो बायोलॉजी के अंदर क्या कर सकते हो, 227 रुपीज में आप सिर्फ और सिर्फ अकेली बायोलॉजी को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। सिमिलर वैसे ही जैसे फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़नी है केमिस्ट्री पढ़ लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी है तो यहाँ पे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हो, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ओनली एंड ओनली 454 रुपीज, ठीक है। तो आगे देखिए, लेट्स मूव फर्दर, देखिए सेम जैसे आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, तो ऐसे करके आप बड़े स्मार्ट तरीके से स्टूडेंट स्टडी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अभीपीडिया का ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप
मान लो आपको सारी प्रिपरेशन नहीं करनी तो आप इंडिविजुअल कर सकते हो, पूरी करनी है तो भी आप रजिस्ट्रेशन करवा के ऑनलाइन, यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस यहाँ पे बैचेस चल रहे हैं इस टाइम पे स्टूडेंट्स, तो आप रजिस्टर कर सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक दिया होगा, नंबर भी दिया होगा, आप उस पर कॉल करके अगर कोई क्वेरी है देन आस्क मी, ठीक है? ओके ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।